बैठ जाओ अब देखो बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। कपड़ा गंदा नहीं होगा तो मास्टर की कुर्सी नहीं मिलेगी। कपड़ा गंदा करना पड़ेगा। आइए और जानकारी करते हैं कि इस विशाल धरने प्रदर्शन के अंदर जहां पुरुष अध्यापकों ने भागीदारी ली है, वहीं महिलाओं ने हमें बराबर की भागीदारी यहां अदा की है। उन्हीं के बीच में हमारे बीच में रीना सिंह जी, अभी मैं सुन रहा था वो उनकी एक विडंबना है, जिन महिलाओं को घर के अंदर होना चाहिए था, जिन महिलाओं को स्कूल के अंदर होना चाहिए था, आज वो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं। रीना जी, आप यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं, आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं? जैसा कि ये पूरा देश जान रहा है कि 25 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी के 1,70,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया है। 26 तारीख से हमारा आंदोलन जिले से लेके यूपी में लखनऊ तक चला है। 23 तारीख को यूपी के सीएम माननीय आदित्यनाथ योगी जी वार्ता में बुलाते, उस वार्ता में भी थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी प्रत्यावेदन हमारा लेते हैं, समान कार्य समान वेतन, पैरा 4 में संशोधन, नवीन अध्यादेश। वो कहते हैं कि मैं अपने प्रमुख सचिव 5 को बैठाऊंगा और इसमें। रीना सिंह जी, आप यहाँ दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर आए हैं, आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आई हैं? हमारी मांग है नवीन अध्यादेश जारी करते हुए सहायक अध्यापक पद पुनः वापस करना। जैसा कि 25 तारीख को हमारा पूरा देश जानता है कि यूपी के 1,70,000 शिक्षा मित्रों का सर्वोच्च न्यायालय ने समायोजन निरस्त कर दिया। 26 तारीख से यूपी के जिले से लेकर प्रदेश तक विशाल आंदोलन किया गया। 23 तारीख को लक्ष्मण मेला मैदान में आंदोलन चल रहा था। माननीय सीएम साहब आदित्यनाथ योगी जी हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाते हैं और उस वार्ता में मैं भी सम्मिलित थी। माननीय सीएम आदित्यनाथ योगी जी हमारा प्रत्यावेदन लेते हैं, समान कार्य समान वेतन, नवीन अध्यादेश पारित करके सहायक अध्यापक पद पुनः वापस, पैरा 4 संशोधन। लेकिन होता क्या, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा होता है, ठीक एक हफ्ता नहीं बीतता है 10,000 रुपए कैबिनेट में पास करके हमको जबरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ा दिया जाता है। उस 10,000 रुपए का यूपी का 1,70,000 शिक्षा मित्र बहिष्कार कर चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अपना वादा याद करो बनारस का, आप संकल्प पत्र याद करो अपना, उसी संकल्प पत्र को देखते हुए, आपके बनारस के वादे को देखते हुए 1,70,000 शिक्षा मित्र अपने मान सम्मान घर परिवार सब कुछ दांव पर लगाकर आपको यूपी का सीएम आदित्यनाथ योगी को बनाता है और आपको प्रधानमंत्री बनाता है। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य रहा इस देश का कि एक तरफ आप कहते हो बेटी पढ़ो बेटी बढ़ो और हमारे संगठन में 10% मात्र पुरुष भाई हैं, 90% महिलाएं हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि आप जैसे प्रधानमंत्री हैं और हमारी महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेकर लखनऊ में आंदोलन लक्ष्मण मेला मैदान में की, आज जंतर मंतर पर कर रही, आपको दिखाई नहीं देता है, आप विदेश घूम रहे हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि हिंदुस्तान पर कब्जा करना है तो नवीन अध्यादेश जारी करके हमारा सहायक अध्यापक पद पुनः वापस करो, अन्यथा हिंदुस्तान भूल जाइए। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान आपकी बपावती नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, इस पर कब्जा हमारा है। नवीन अध्यादेश पारित करो, सहायक अध्यापक पद वापस करो, अन्यथा की स्थिति में सब शिक्षा मित्र यूपी का मर गया इस टाइम, और एटा में हमारे यहाँ उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है, महिलाएं जेल के अंदर है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, छिल पर वार करना बंद कर दो, यदि आपको मारना ही है तो 1,70,000 को खड़ा करवा के फांसी फंदे पर चढ़ा दो। हम हंसने के लिए तैयार है, लेकिन घुट घुट कर मरना मत छोड़ो कि आप जगह जगह देते हो। यूपी में ये काम प्रधानमंत्री ने देश में काम किया, अभी तक आप सिर्फ झूठ बोले हो, सिर्फ छलावा किए हो, जनता को बेवकूफ बनाए हो। हम पढ़े लिखे लोग समुदाय हैं, हम हाई स्कूल हैं, इंटर हैं, ग्रेजुएट हैं और बीटीसी हैं। रही बात टीटी की, हमारा सहायक अध्यापक पद पुनः वापस करो, हमारे सहायक अध्यापक पद पुनः वापस दो और टीटी करवाना आपकी जिम्मेदारी है। यूपी को 1,70,000 को टीटी करवा दो, आपके बस में है जो भी करना हो, लेकिन हमारा सहायक अध्यापक पद पुनः वापस करो। और हां प्रधानमंत्री जी, जली कुट्टी में आप एक बार अध्यादेश जारी भी कर चुके हो सर्वोच्च न्यायालय समायोजन निरस्त होने के बाद, कोई ये बड़ी बात नहीं है आपके लिए। जैसे जली कुट्टी की हो 1,70,000 घर परिवार की बात है, आप नवीन अध्यादेश पारित करके सहायक अध्यापक पद पुनः वापस करो और हमारा सहायक अध्यापक पद पुनः वापस करो, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। मैं रीना जी, क्या कारण है कि जब 12-13 साल आपने पढ़ाया उसके बाद में राज्य सरकार आपसे टीटी का एग्जाम ले रही है, क्या कारण है? मैं आपको बताना चाहती हूँ,
राज्य सरकार हमको टीटी की एग्जाम नहीं ले रही है, राज्य सरकार हमको पूरी तरीके से घर से बाहर कर दी है, राज्य सरकार टीटी की तो बात ही नहीं करती है, राज्य सरकार कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपका समायोजन निरस्त कर दिया है, हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सर्वोसर्व छोड़ दिया है। रही बात टीटी की, हमारा सहायक अध्यापक पुनः वापस करो। रही बात टीटी की, हम 17 साल विद्यालय में काम किए हैं, 23 अगस्त 2010 के बाद टीटी लागू हुई है, 23 अगस्त 2010 के पहले 2009 तक पूरे शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई है, टीटी तो दूर दूर तक नहीं आती हमारे से 1,70,000 के ऊपर, आप जबरदस्ती गले का फांस बना रहे हो, अगर जबरदस्ती गले का फांस भी बनाना है तो ठीक है, आप हमारा सहायक अध्यापक पुनः वापस करो, उसके बाद बात करो होना क्या चाहिए, तर्क वितर्क तो बाद में होता है, पहले सहायक अध्यापक पद में वापस करो। लीना जी, सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र में क्या अंतर है? अंतर यही है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि हम शिक्षा मित्र हैं, हम विद्यालय चलाए 17 सालों में, जब इनके पास बीएड नहीं थे, जब इनके पास बीटीसी नहीं थे, जब इनके पास टीटी नहीं थे, तो 1,70,000 2001 से लेके प्राथमिक विद्यालय में ताला खोला बंद किया, लैट्रिन नहीं थी, बिजली नहीं थी, हमने 17 साल गाँव गाँव ढूंढे, चूंकि गाँव के हैं, अपने बच्चों को लाए, हमारा एक लगाव होता, चूंकि हम वहाँ बुआ लगते हैं, कोई चाची लगता है, कोई चाचा लगता है, कोई आंटी लगता है, कोई पिता लगता है, कोई अंकल लगता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ग्रामीण का जुड़ा हुआ शिक्षा मित्र होता है, इस नाते हम अपना दिन रात खून पसीना लगा दिए और उस ग्रामीण की व्यवस्था को संचालित किए, आज इनके पास बीएड आ गए, आज इनके पास टीटी आ गए, तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जबकि हम 1,70,000 भी इनको वोट दिए हैं, घर परिवार सही तोड़ दिए हैं, नई यूपी में इनकी कुर्सी कभी ना बनती। और मैं कहना चाहती हूँ, यदि प्रधानमंत्री जी नवीन अध्यादेश जारी करके 1,70,000 को सहायक अध्यापक नहीं बनाए, तो दुनिया की कोई ताकत यूपी तो भूल जाए, मैं इनको हिंदुस्तान से बदल करके दिखाऊंगी, मेरा वादा रहा इनसे। आगामी योजना क्या रहेगी रीना सिंह जी इस धरने को लेकर? अग्रिम योजना हमारी यह है कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है प्रधानमंत्री जी, और हाँ, झूठा वादा नहीं, लिखित जब तक नहीं देते हैं, नवीन अध्यादेश जारी करके सहायक अध्यापक पद पुनः वापस, तब तक हमारा शिक्षा मित्र जंतर मंतर दिल्ली नहीं छोड़ेगा।